तो दोस्तों आज हम इसकी करेंगे टेस्टिंग कि ये हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये दोस्तों क्विक का है 900 SMD रिवर्क स्टेशन। तो दोस्तों इसको अभी टेस्ट करते हैं। हमने इसको पावर सप्लाई वगैरह दे दी है तो इसकी जो गन है वो तो अच्छे से काम कर रही है। ये हमने यूज़ करके देखा था तो इसकी जो गन है दोस्तों वो अच्छे से काम कर रही है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कुछ ऐसे दोस्तों इसकी जो है हीट वगैरह निकल रही है और इसकी जो ये हवा एयर है वो भी कम ज़्यादा अच्छे से हो रही है और हीट भी अच्छे से कम ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों इससे मैं आपको शोल्डर भी पिघला के दिखा देता हूँ। ये तो हमारा जो है अच्छे से वर्क कर रहा है। तो आगे इसकी टेस्टिंग करते हैं कि ये हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसका शोल्डर वगैरह देखिए, ये अच्छे से पिघला देता है। ये दोस्तों देख सकते हैं, ये दोस्तों शोल्डर को अच्छे से पिघला रहा है, ये आप देख सकते हैं वीडियो में। तो दोस्तों इसका जो हीट गन है ये तो अच्छे से काम कर रही है। तो इसके बाकी सब को हम टेस्ट करते हैं कि बाकी जो भी हैं वो भी काम कर रहे हैं अच्छे से या नहीं। तो इसको हमने बंद कर दिया है दोस्तों। इसके बाद इसमें है एक पावर सप्लाई का ऑप्शन जिससे कि हम 1.5 वोल्ट से लेके हम 12 वोल्ट तक की इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको एडजस्टेबल पावर सप्लाई भी बोल सकते हैं हम। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास ये वायर्स इन्होंने दी है साथ में ही। इसमें 2 एलिगेटर क्लिप्स हैं और एक साइड ये ऑडियो वाला जैक है। हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं एलिमिनेटर में। तो इसको करते हैं ऑन और इसकी अभी वोल्टेज चेक करते हैं दोस्तों। 1.5 वोल्ट पर जो इसकी LED है वो नहीं जल रही, तो इसकी वोल्टेज चेक करते हैं कि ये हमको 1.5 वोल्ट दे रहा है या नहीं। तो इसको हम अभी लगा देते हैं। तो ये दोस्तों देख सकते हैं 1.24 हमको ये वोल्टेज दे रहा है। अगर हम इसको 3 पे सेट करते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन है 3 का, अभी हम इसको 3 पे सेट करते हैं, देखते हैं। ये हमको 3.56 वोल्टेज यहाँ पे दे रहा है और अभी इसको हम करते हैं 4.5 पे सेट तो ये हमको 5.73 दे रहा है। अगर हम इसको 6 पे करते हैं तो 8 वोल्ट दे रहा है, 7.5 पे करते हैं तो 10 वोल्ट दे रहा है, 9 वोल्ट पे करते हैं तो 12 वोल्ट दे रहा है, अगर 12 वोल्ट पे करते हैं तो 14.70 वोल्ट हमको ये दे रहा है। यानी कि इसकी जो वोल्टेज है वो एक्यूरेट नहीं है। तो ये तो अच्छा है कि हमको ये वोल्टेज दे रहा है। तो अभी इसके अगले फीचर पे आते हैं। हमें इसके साथ दोस्तों जो है 2 सोल्डरिंग आयरन्स मिली हैं। ये जो है बहुत ही ज़्यादा बारीक है इनकी टिप, ये दोनों। तो हम इनको भी टेस्ट करते हैं। इनको लगाते हैं हम माइक्रो आयरन में और इसका जो हीट है वो फुल पे रखते हैं और इसको करते हैं ऑन, देखते हैं ये शोल्डर वगैरह पिघलाती है या नहीं। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा छोटी है, आपको कैमरे में शायद बड़ी लग रही हो लेकिन ये है बहुत छोटी और ये 15 वाट की है दोस्तों और ये 12 वोल्ट की है। देखते हैं ये कितनी देर में हीट होती है और कितनी देर में हमारा जो शोल्डर है उसको पिघलाती है। वो अभी गर्म हो चुकी है, इसको टच भी नहीं कर पा रहे, इतनी गर्म हो चुकी है ये। तो ये शोल्डर को दोस्तों देखिए पिघला रही है अच्छे से। तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि ये शोल्डर को अच्छे से पिघला रही है। तो ये सोल्डरिंग आयरन भी इसकी वर्क कर रही है। तो चलिए दोस्तों आते हैं अभी इसकी डिसएडवांटेजेस पर और देखते हैं क्यों हमें ये जो सेट है वो नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये दोस्तों आता है 3500 का, 3499 का। तो अभी हम इसकी डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसकी पावर सप्लाई का जो है वोल्टेज चेक करते हैं तो वो तो अच्छे से आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन अगर हम एम्पियर चेक करते हैं दोस्तों कि वो कितने आ रहे हैं, हमने मल्टीमीटर को एम्पियर पे सेट कर दिया है और इसको इसके अभी हम एम्पियर चेक करते हैं कि कितने एम्पियर ये दे रहा है। तो दोस्तों जैसे कि हम अभी इसको टच कर रहे हैं
तभी इसकी एलईडी जो है वो बंद हो जा रही है और एम्पियर हमको 1% भी शो नहीं हो रहे। शायद ये शॉर्ट सर्किट की, इसके अंदर शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन हो इसलिए जो है हमारी एलईडी बंद हो रही हो। तो हम इससे कोई इक्विपमेंट चला के देखते हैं। ये हमारा एक मोटर है, डीसी मोटर। तो दोस्तों ये चल तो रहा है लेकिन जितना इसको चलना चाहिए दोस्तों वो ये उतना नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारी वो 14 वोल्ट है, पर लेकिन जो हमारी मोटर है वो बिल्कुल भी इतनी फास्ट नहीं आ रही है। मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुना देता हूँ। और जो हमारी एलईडी है वो भी डिम हो रही है। तो दोस्तों आपने इस मोटर को यूज़ ही किया होगा, ये 12 वोल्ट पे बहुत ही ज़्यादा आरपीएम पे चलती है, पर लेकिन इसमें ये बिल्कुल भी तेज नहीं चल रही। इसका मतलब इसके अंदर इतने ज़्यादा एम्पियर नहीं आ रहे और 12 वोल्ट हमारी जो है वो फेक है। चलिए दोस्तों इसको मल्टीमीटर के साथ लगा के देखते हैं कि हमारे जो वोल्टेज है वो कितने ड्रॉप होके हो जाते हैं मोटर लगाने के बाद। तो दोस्तों हमने मल्टीमीटर को जो है वोल्टेज पे सेट कर दिया है और अभी हम इसकी वोल्टेज देखते हैं। ये हमने 12 वोल्ट पे रखा है तो इसकी जो वोल्टेज है दोस्तों ये 15.75 कुछ आ रही है। तो अगर हम इसकी मोटर चलाते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कम होके 1.88 वोल्ट रह जाती है दोस्तों। इसीलिए जो हमारी मोटर है वो वर्क नहीं कर रही, या तो इसका ट्रांसफार्मर बहुत छोटा है या फिर इसमें कोई और गड़बड़ है या प्रोटेक्शन वगैरह दे रखी हो। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ओपन भी करके आपको दोस्तों दिखाएंगे कि इसके अंदर होता क्या है, ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जो दोस्तों अगली इसमें कमी है वो दोस्तों ये है कि अगर हम इसका हीटर चला देते हैं तो इसमें जो दोस्तों है ये करंट मार रहा था, मैंने इसको टच करके देखा था तो ये करंट लग, तो देख सकते हैं कि इस पर जो हमारा टेस्टर जो है जल रहा है, ये जो है हमको करंट मार रहा था तो इसीलिए हमने टेस्ट किया। ये दोस्तों देख सकते हैं इसमें पूरा जो है हमारा करंट आ रहा है। तो दोस्तों इतना ही था, हमने इसका रिव्यू वगैरह कर दिया और इसकी डिसएडवांटेजेस आपको बता दी। तो अगली वीडियो में हम इसको खोल के दिखाएंगे। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।